person you breathe. यार संडे है, राइड तो बनता है ना, तो बस मौसम भी सुहाना है। मौसम कैसा है? जबरदस्त ना। और इस टाइम में ना राइड करने का एक अलग ही मजा रहता है। और उधर हो रहा है सनसेट, सो देयर इज अ सनसेट। भाई सनसेट देखो कितना मस्त लग रहा है ना। सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप दैट एवरीवन इज डूइंग वेल। एंड टुडे इज संडे और अभी हो रहा है दोपहर के 4:30। तो मैं निकला हूँ अभी राइड पे, संडे राइड पे, और मैं अकेला ही जा रहा हूँ। बेसिकली मेरे कुछ दोस्त जाने वाले थे लेकिन ड्यू टू सम रीजंस दे आर नॉट गोइंग विथ अस। तो अकेला नहीं जा रहा, मेरे साथ मेरा एक भाई भी जाएगा थोड़ी देर बाद, ज्वाइन करेगा वो लोग, मतलब थोड़ी देर बाद वो ज्वाइन करेगा हम लोगों को, तो मिलाएंगे उससे भी। और बाकी अभी जो संडे राइड का मज़ा है वो अभी लेते हैं। और बहुत दिन बाद मैं संडे राइड कर रहा हूँ बिकॉज़ कुछ दिन से मैं बाहर नहीं निकल पाया था, ड्यू टू सम रीज़न मैं वीडियो भी ज़्यादा नहीं बनाया था। सो फाइनली आज मुझको टाइम मिला है बाहर निकलने का और अभी निकल पड़े हम लोग राइड के लिए। गाइज ये जो संडे राइड है मैं बहुत मिस कर रहा था, लेकिन सुबह मैं राइड नहीं कर पाया था तो मैंने सोचा कि आज शाम को हम लोग राइड करते हैं। तो अभी हम लोगों का कोई प्लान नहीं है, मतलब हम अभी जाएंगे डायरेक्ट कमरकुंडू, वहाँ से मेरा भाई आएगा, उसको लेके हम जाएंगे नौबन्नों पे, वहाँ पे थोड़ा सा चाय वाय पियेंगे, उसके बाद मन हो तो आज़ाद हिंद के लिए निकलेंगे, अगर नहीं मन हो तो नहीं जाएंगे। तो जो भी होगा आप लोग बने रहना मेरे वीडियो पे, मेरे इस वीडियो को पूरा एंजॉय करना। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर से ठोक दो, अभी के अभी जाओ और मेरे वीडियो को एक लाइक कर दो, ठीक है गाइज। तो गाइज अभी जस्ट मैं कमरकुंडू से निकल रहा हूँ, मेरा भाई आ चुका है, मेरे पीछे बैठा है वो। तो अभी यहाँ से डायरेक्ट हम लोग निकल जाएंगे नौबानों पे और भाई से मिलाते हैं। रुको थोड़ा सब्र तो करो गाइज, हम लोग नौबानों पे जाते हैं, उसके बाद आप लोगों से उसका जो इंट्रोडक्शन है वो करवाते हैं, ठीक है? तो मिलते हैं आप लोगों से डायरेक्ट नौबानों पे जाके, ठीक है? We are here at नौबानो होटल और अभी मोंगिनीज के सामने है ये रहा। और अभी टाइम है इंट्रोड्यूस करना मेरे भाई को। सो ही इज़ माई ब्रदर फ्रॉम हैदराबाद, जुबैर। और अभी बस यहाँ पे थोड़ा कुछ खाना वाना खा के आज़ाद हिंद तक जाएंगे, क्योंकि प्लान थोड़ा चेंज हो चुका है। हम लोग जाएंगे आज़ाद हिंद, उसके बाद वहाँ से वापस आएंगे, क्योंकि संडे राइड है और थोड़ा राइडिंग तो बनता है ना गाइज। तो थोड़ा राइडिंग करेंगे उसके बाद आप लोगों से मिलेंगे, ठीक है? One hour later. So guys, अभी हम लोग यहाँ से मतलब थोड़ा निकल रहे हैं और थोड़ा जाएंगे राइड करेंगे थोड़ा। यार संडे है, राइड तो बनता है ना, तो बस मौसम भी सुहाना है। एकदम राइडिंग रिलेटेड मौसम है गाइस।
क्या कहते हो, मौसम कैसा है? मौसम कैसा है? जबरदस्त ना। और इस टाइम में ना राइड करने का एक अलग ही मजा रहता है। मतलब सुबह को एक अलग मजा रहता है और इस टाइम को एक अलग मजा रहता है। ओके गाइस, तो थोड़ा क्रूज करेंगे यहाँ पे, देखते हैं कितना स्पीड पे चलाते हैं। हम लोग ज़्यादा स्पीड नहीं चलाएंगे क्योंकि भाई मेरे पीछे मेरा भाई है और मेरा आंटी ने मना किया है थोड़ा कम स्पीड में चलाने के लिए बोला है। तो आंटी जी, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो देख लो, ज़्यादा स्पीड से नहीं जा रहे, हाईवे है, फिर भी स्लोली स्लोली जा रहे हैं। और उधर हो रहा है सनसेट, आप लोग देख नहीं पाओगे। रुको, आप लोगों को दिखाते हैं सनसेट थोड़ा आगे जाके, ठीक है? एक ब्रिज आएगा, वहां से जाके आप लोगों को दिखाते हैं सनसेट। Hey Mr. Police, won't you just see right through me on the dying days when I ask for forgiveness or myself? Hey Mr. Police, एक्चुअली ये जो NH2 है ना, इसमें दोनों तरफ बहुत से पेड़ है, इसीलिए सनसेट दिखना थोड़ा, मतलब समझ रहे हो ना, प्रॉब्लम होता है। सो देयर इज अ सनसेट। भाई सनसेट देखो कितना मस्त लग रहा है ना। तो यहाँ पे थोड़ा चल रहा है फ़ोटोशूट। अगर आप लोगों को ये सब फ़ोटो देखना है तो प्लीज़ मेरा इंस्टाग्राम विज़िट कर लेना। गाइस GoPro हो गया था हैंग। ये इसी चीज का नतीजा है कि मैं रोज व्लॉग नहीं करता, इसीलिए कुछ प्रॉब्लम आ रहा है इसमें। तो गाइज हम लोग ज़्यादा दूर नहीं गए, हम CCD के आगे वाले जो गैप होता है, मतलब स्प्लिट हाईवे चेंज करने के लिए जो स्प्लिट रहता है, वहाँ से हम लोग घुमा लिए गाड़ी को। और आज का व्लॉग देखो गाइज, आज का जो मेरा मेन डेस्टिनेशन वैसा कुछ नहीं था, डेस्टिनेशन था 9:59 तक, लेकिन हम लोग ने मन बना लिया कि थोड़ा और घूमेंगे क्योंकि मेरा भाई इतने दिन बाद आया है, तो सोचा कि थोड़ा इसको घुमा लाते हैं। तो बस इसीलिए हमने थोड़ा सा हाईवे में राइड किए, उसको मज़ा आ गया, ये मेरे लिए बहुत है। तो कोई ना, अभी घर की तरफ जा रहे हैं। देखो गाइज, अगर और कुछ दोस्त मिल के आते तो ज़रूर से विज़िट करते आज़ाद हिंद ढाबा, लेकिन ड्यू टू सम XYZ रीज़न वो लोग नहीं आ पाए, दीप्तो और भी कुछ भैया लोग आते तो हम ज़रूर से राइड करते आज़ाद हिंद तक। और दोनों राइड करके जाते हैं तो मज़ा आता है, लेकिन बैठ के, मतलब दोनों बैठ के क्या ही खाएंगे और क्या ही मज़ा करेंगे, ग्रुप होता है तो अलग मज़ा रहता है, ये आप लोगों को मानना पड़ेगा, ठीक है? तो बेसिकली दिस इज़ अ शॉर्ट वीडियो ऑफ माई संडे राइड, और शॉर्ट नहीं होगा भाई, नो डाउट 15 मिनट का हो जाएगा जितना भी क्लिप है मेरे पास उससे।
तो बस ये संडे राइड का एक इवनिंग राइड का एक वीडियो है, आई होप दैट आप लोगों को पसंद आया, मज़ा आया। और हाँ, वीडियो को थोड़ी देर बाद एंड करेंगे, अभी नहीं होगा, ठीक है। तो गाइज, लास्ट वीडियो में आप लोगों से मैंने बोला था कि मेरा जो मूड था वीडियो बनाने का वो बहुत ख़राब हो चुका था, मतलब बनाने का कोई मूड ही नहीं था, सच बोल रहा हूँ, बाहर निकलने का भी मूड नहीं था, कुछ ऐसा हो गया था मेरे साथ, इसीलिए मैं बाहर नहीं निकलता, मतलब निकलने का मूड ही नहीं रहता बिल्कुल भी। तो अभी फिर से वो करेज आ गया है मुझ में कि एक चीज़ हर बार मैं देखता हूँ कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये चीज़ मैं हमेशा याद रखता हूँ। लेकिन कुछ कुछ टाइम में ना हो जाता है ऐसा, मतलब डिप्रेशन आ जाता है, तो इसीलिए वीडियो थोड़ा नहीं आ रहा था। लेकिन अब से कोशिश मैं ज़रूर से करूँगा कि वीडियो वापस से आप लोगों के लिए बनाना चालू करूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को घर बैठे नया नया जगह देखने का एक स्कोप मिल जाए, समझ रहे हो ना। तो हम आ चुके हैं शिंगूर, और अभी तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा हम लोगों को राइड कंप्लीट करने में, तो मज़ा आ गया। और भाई भीड़ देख रहे हो नौबानों पे, गलत भीड़ है। और ज़ुबैर को लेना है केक, तो केक नहीं डोनट लेना है शायद से, तो हम लेंगे उसके बाद। घर चले जाएंगे, सही है ना। तो यहाँ पे मोंगनीज में ही मिल जाएगा डोनट, तो ले लेते हैं। तो गाइज, अभी आंटी के घर से निकल रहा हूँ और जा रहा हूँ घर की तरफ, कामारकुंडू में ही हूँ, अभी जस्ट निकला वहाँ से, और 8 बज चुका है, तो लेट हो चुका हूँ थोड़ा, कोई ना, अभी इधर गप्पे मारने बैठ गया था इसीलिए थोड़ा, समझ रहे हो ना, गप्पे शप्पे करने में थोड़ा टाइम चला गया। अबे यार, ये सामने जो स्कॉर्पियो है इतना धूल मिट्टी उड़ा रहा है, क्या ही बोलूं। सो गाइज, अगर आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ जाने से पहले मेक श्योर टू लाइक माय वीडियो, और अगर आप लोग सब्सक्राइबर नहीं हो मेरे चैनल का तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि इस चैनल में और भी व्लॉग आने वाला है राइड रिलेटेड, तो ज़रूर से फॉलो कर लेना गाइज। और इंस्टाग्राम में हैंडल में अभी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर इंस्टा में फॉलो करना चाहते हो तो आप लोग वहाँ पे आ सकते हो, फॉलो कर सकते हो, उधर फोटोज़ वगैरह सब कुछ छोड़ता हूँ मैं, और लेटेस्ट अपडेट जो भी रहता है वो भी उधर देता हूँ, तो ज़रूर से फॉलो कर लेना। ऐसे ही आज का जो व्लॉग था, संडे व्लॉग, संडे राइड का व्लॉग था, एंड बहुत मज़ा आया राइड करके भाई के साथ, और नेक्स्ट और भी जल्दी एक राइड करेंगे, आप लोग बस थोड़ा वेट करो, क्योंकि अभी जस्ट धीरे धीरे कोविड का जो सीन है वो थोड़ा कम हो रहा है, तो आप लोग समझ गए होंगे मैं किस बारे में बोल रहा हूँ, तो इसीलिए अभी बाहर ज़्यादा जाना सही भी नहीं है, तो जैसे ही देखता हूँ कि हाँ अभी बाहर जाना सही है तो ज़रूर से निकल पड़ेंगे आप लोगों के लिए नया वीडियो बनाने के लिए। और सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ। With more energy, I will come back with another vlog. Guys, tab tak ke liye stay tuned. Bye-bye.